क्वेश्चन नंबर अख्तर किरण एंड राहुल वे आर राइडिंग इन अ मोटर कार दैट वॉज मूविंग विद अ हाई वेलोसिटी ऑन एक्सप्रेस वे वेन एन इंसेक्ट हिट द विंडशील्ड एंड गॉट स्टक ऑन द विंड स्क्रीन तो क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है देर आर थ्री फ्रेंड्स अलग अलग नाम है तीनों का एक मोटर कार में मतलब कार में ये लोग कहीं जा रहे हैं बहुत हाई स्पीड के साथ हाई वेलोसिटी के साथ एक एक्सप्रेस वे में मतलब हाईवे में एक्सप्रेस वे में ये लोग मूव कर रहे हैं या फिर कहीं घूमने के लिए जा रहे हैं बहुत हाई वेलोसिटी के साथ ये कार मूव कर रही है अचानक से सामने से एक इंसेक्ट आता है और उसके सामने विंडशील्ड पर मतलब जो सामने जो शीशा होता है उस पर अचानक से टकरा जाता है तो सबको पता है फिर क्या होगा है ना अख्तर एंड किरण स्टार्टेड पॉन्डरिंग ओवर द सिचुएशन किरण सजेस्टेड दैट द इंसेक्ट सफोर्ड अ ग्रेटर चेंज इन मोमेंटम एज कम्पेयर टू द चेंज इन मोमेंटम ऑफ द मोटर कार बिकॉज द चेंज इन वेलासिटी ऑफ द इंसेक्ट वच मोर दैन दैट ऑफ द मोटर कार मतलब यहाँ पे uh, किरण एक इसका कंक्लूजन uh, या फिर लॉजिकल आंसर देना चाहती है कि ये जो इंसेक्ट है ये टकराया तो uh, स, uh, इंसेक्ट सफ़र अ ग्रेटर चेंज इन मोमेंटम ये बोल रही है कि ये जो इसेक्ट है वो बहुत ज़्यादा चेंज इन ग्रेटर चेंज इन मोमेंटम ये सफ़र किया है ठीक है क्योंकि आ... अचानक से वो टकराएगा रुक गया या फिर वो मर भी सकता है तो इस, इसी लिए ग्रेटर चेंज इन मोमेंटम ये सफ़र किया है और आगे क्या बोल रहा है ये बिकॉज द चेंज इन द वेलासिटी ऑफ द इंसेक्ट वेलासिटी ऑफ द अचानक से इंसेक्ट चल कर आया उड़ कर के आ रहा है किसी वेलासटी के साथ टकराया तो रुक जाएगा ना वहाँ पे तो वो बोल रहा है अक्तर सेट दैट सिंस द मोटर कार वज मूविंग विद अ लार्जर वेलासिटी इट एग्जर्टेड अ लार्जर फोर्स ऑन द इंसेक्ट ओके एंड ऐसा रिजल्ट द इंसेक्ट डाइड अब अक्तर क्या कह रहा है कि सिंस द मोटर कार वाज मूविंग वेरी लार्ज विद अ लार्ज वेलोसिटी मतलब हमारा जो कार है वो बहुत ज़्यादा वेलोसिटी के साथ ट्रेवल कर रहा था तो इसीलिए और छोटा सा इंसेक्ट है उससे टकराया तो बहुत ज़्यादा फोर्स लगा इंसेक्ट के ऊपर इसीलिए वो मर गया दा, इंसेक्ट डाइड नाउ राहुल वाइल पुटिंग एन एंटायरली न्यू कंक्लूजन और एक्सप्लानशन सेट दैट बोट द मोटरकार एंड द इंसेक्ट एक्सपीरियंस द सेम फोर्स एंड चेंज इन देयर मोमेंटम कमेंट ऑन दीज सजेश राहुल एक बहुत ही अलग एक्सप्लानीशन देता है इसका कि मोटरकार और इंसेक्ट एक्सपीरियंस द सेम फोर्स मतलब ये कहना चाह रहा है कि जितना फोर्स मोटरकार लगा रहा है इंसेक्ट के ऊपर सेम इंसेट भी मोटरकार के ऊपर सेम फोर्स लगा रहा है और दूसरा एक और एक्सप्लानीशन है दैट द इंसेक्ट एक्सपीरियंस द सेम फोर्स एज द अच्छा ये तो हो गया एंड अ चेंज इन मोमेंटम मतलब चेंज इन मोमेंटम भी सेम है उनका ये कह रहा है तो आपको बता आपको ये करना uh, करना क्या है कि कमेंट ऑन दिस सजेशन यू हैव टू गेस और यू हैव टू जज कि इन तीनों में से सही कौन है और गलत कौन है बहुत ही सिंपल सा एक प्रैक्टिकल एक लॉजिकल क्वेश्चन पूछा गया आपसे बहुत ही एक सिचुएशन में डाल करके अगर तुम सोचोगे न्यूटन का थर्ड लॉ और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को मिला करके तो इस आंसर को बहुत ही ईजिली कर सकते हो देखो एक एक करके लेते हैं सबसे पहले अख्तर या पहले किरण का सजेशन लेते हैं एक्सप्लेनेशन लेते हैं किरण क्या बोल रही है कि सजेस्टेड दैट इंसेक्ट सफर्ड अ ग्रेटर चेंज इन मोमेंटम एज कम्पेयर टू द चेंज इन मोमेंटम ऑफ द मोटर कार मतलब ये सिंपल लैंग्वेज में यह कहना चाह रही है कि इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम से ज़्यादा है ऐसा तो हो नहीं सकता अब पूरे सिस्टम को देखो यह है कार और यह है इंसेक्ट अगर इस पूरे सिस्टम को हम देखेंगे तो क्या इस पूरे सिस्टम के बाहर से कोई फोर्स लग रहा है नहीं लग रहा है तो जब बाहर से कोई भी फोर्स ना लगे सिस्टम के ऊपर तो हमने पढ़ा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से कि उस पूरे सिस्टम का कंजर्वेशन मोमेंटम कंजर्वड होता है तो किरण का स्टेटमेंट तो गलत हो गया शी इज़ रॉन्ग ठीक है रॉन्ग इसलिए हो, हो गई क्योंकि फाइनल इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम विल बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम ऐसा क्यों होगा क्योंकि सिस्टम के बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रहा जो भी फोर्सेज वो सिस्टम के अंदर के फोर्सेज है ठीक है तो यहाँ पे इसका सजेशन इसका कंक्लूजन गलत हो गया अब दूसरा अख्तर अख्तर सेट दैट सिंस द मोटर कार वाज मूविंग विद अ लार्जर वेलोसिटी टेक एक्सैक्टेड अ लार्जर फोर्स ऑन द इंसेक्ट अब ये भी गलत है ये भी गलत है न्यूटन का थर्ड लॉ क्या कहता है न्यूटन का थर्ड लॉ कहता है अगर हम किसी के ऊपर फोर्स लगाते हैं तो वो ऑब्जेक्ट भी हमारे ऊपर फोर्स लगाता है और दोनों फोर्स इक्वल होता है मैग्नीट्यूड में और ऑपोजि होता है डायरेक्शन में और एक्शन और रिएक्शन दोनों दूसरे अलग अलग बॉडीज पर एक्ट करता है और दोनों इक्वल होता है लेकिन ये कह रहा है कि एक फोर्स ज्यादा है एक फोर्स कम है तो ये भी क्या हो गया गलत ठीक है अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ठीक है अगर इसको सोचोगे अच्छे से तो आराम से तुम यहाँ पे कंक्लूजन निकाल सकते हो यह भी गलत है क्योंकि दोनों सेम फोर्स एग्जर्ट कर रहा है, है ना नेक्स्ट नाउ राहुल पुटिंग एन इंटायरली न्यू एक्सप्लेनेशन से दैट बोथ द मोटर कार एंड द इंसेक्ट एक्सपीरियंस द सेम फोर्स चलो ये राहुल का पहला एक्सप्लेनेशन तो सही है है ना पहला एक्सप्लेनेशन सही है कि दोनों एक ही फोर्स एग्जर्ट कर रहा है एक दूसरे के ऊपर एक्शन रिएक्शन पेयर का बात कर रहा है ये एंड अ चेंज इन देयर मोमेंटम मतलब चेंज मोमेंटम का चेंज सेम है मतलब इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम दोनों के लिए सेम है तो इनका इसका कंक्लूजन सही है ठीक है तो इसमें से किरण गलत हो गई अख्तर गलत हो गया सिर्फ और सिर्फ राहुल सही है तो ये था क्वेश्चन नंबर 17